हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड हर बार की तरह इस बार भी इस चैनल में आपको नॉलेजेबल चीज़ मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जिसका जो आज का खास टॉपिक होगा हम लोग का यहाँ पे एम्बैकमेंट, सबग्रेड एंड बोरो एरिया, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इसमें किस क्या क्या इसका जो है वो लिक्विड लिमिट होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो वीडियो की ओर, तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट को क्लिक कर रखे हैं आप लोग के लिए, यहाँ की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज ए सिविल इंजीनियर प्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, सबके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है एम्बैकमेंट, सबग्रेड, बोरो एरिया। इस तीनों टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, उसका जो है एक समरी बनाए हैं वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का, लिक्विड लिमिट ऑफ एम्बैकमेंट, सबग्रेड एंड बोरो एरिया शुड बी लेस देन 50%। जो हम लोग का लिक्विड लिमिट होना चाहिए, हम लोग का कम से कितना होना चाहिए, 50% से हम लोग का यहाँ पे कम होना चाहिए। किसका किसका, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एम्बैकमेंट, दूसरा होगा सबग्रेड, तीसरा होगा यहाँ पे बोरो एरिया। तीनों का लिक्विड लिमिट हम लोग का जो है 50% यानी 50% से कम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में हम बात करेंगे यहाँ पे, प्लास्टिक लिमिट शुड बी लेस देन 25%। हम लोग का जो प्लास्टिक लिमिट जो है यहाँ पे 25% से कम होना चाहिए। इस तीनों टॉपिक यानी कि एम्बैकमेंट का, सबग्रेड का, बोरो एरिया का प्लास्टिक लिमिट जो है 25% से कम होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कुछ टेस्ट के बारे में। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है यहाँ पे हम लोग का प्रॉक्टर डेंसिटी, यानी कि इसका प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट है। इसमें मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट के लिए हम लोग का जो है प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट कितना होना चाहिए, मतलब वैल्यू कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग का 1.5 टू 1.6 ग्राम पर मीटर पर क्यूबिक मीटर। एंड फोर सबग्रेड के लिए हम लोग का होना चाहिए 1.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की बात करेंगे फिल ड्राई डेंसिटी टेस्ट, फिल FDD, इसको हम लोग FDD के शॉर्ट नेम से जानते हैं, FDD फिल ड्राई डेंसिटी टेस्ट वैल्यू। हम लोग को इसका फिल ड्राई डेंसिटी टेस्ट वैल्यू कितना होता है इस वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पे फोर एम्बैकमेंट शुड बी मिनिमम 95%, मतलब जो है इसका जो फील्ड डेंसिटी कितना होना चाहिए, कम से कम 95% होना चाहिए। किसके लिए, वही यहाँ पे एम्बैकमेंट के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फोर सबग्रेड के लिए, सबग्रेड फॉर सबग्रेड शुड बी मिनिमम 97%, कितना होना चाहिए यहाँ पे 97% की बात करते हैं। यहाँ पे सबग्रेड का जो है, सबग्रेड का जो है FDD कम से कम कितना होना चाहिए, 97% होना चाहिए। अब नंबर ऑफ टेस्ट, सॉरी अभी सेट नहीं हुआ, टेस्ट ड्यूरिंग FDD हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं यहाँ पे देखते हैं। फॉर एम्बैकमेंट हम लोग एम्बैकमेंट का पहला टेस्ट FDD टेस्ट करेंगे, तो उसका जो है 1 सेट पर 3000 मीटर स्क्वायर, मतलब पर 3000 मीटर स्क्वायर जो है, 3000 मीटर स्क्वायर पर हम लोग को कितना सेट चाहिए, एक सेट चाहिए यहाँ पे। किसके लिए, एम्बैकमेंट के लिए। यहाँ पे एम्बैकमेंट का बात करते हैं हम लोग अभी, तो एम्बैकमेंट के लिए यहाँ पे एक सेट के लिए कितना पर 3000 मीटर स्क्वायर है, मतलब 3000 मीटर स्क्वायर में जो है हमको कितना चाहिए यहाँ पे, एक सेट चाहिए। और एक सेट कितना पिट्स के बराबर होता है, एक सेट यहाँ पे 10 पिट्स, मतलब हम लोग अगर 3000 मीटर स्क्वायर है एरिया, उसमें से हम लोग को 10 सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे फॉर सबग्रेड, सबग्रेड के लिए हम लोग का टेस्ट होगा 1 सेट पर 2000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2000 मीटर स्क्वायर पे हम लोग को एक सेट चाहिए। और एक सेट हम लोग का यहाँ पे कितना के बराबर होता है, एक सेट यहाँ पे 10 पिट्स मतलब बोले तो सैंपल, यहाँ पे हम लोग का सैंपल ले देते ना वहाँ पे, जैसे कि अगर हम लोग का मान लें कि एम्बैकमेंट बना के बेड बना के आए, तो हम लोग को टेस्ट करने के लिए जाएंगे, तो हम लोग को क्या सैंपल लेके आएंगे, वो सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, एक सेट के रूप में बोलते हैं। और एक सेट बराबर कितना होता है, ये 10 पिट्स के बराबर होता है। आई होप दोस्तों वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।